सो हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी संडे टू एवरी वन। सो आज है संडे गाइज एंड आप सबके रिक्वेस्ट पे आज हम लोग जा रहे हैं सुल्तानगंज। यस गाइज, हम लोग जा रहे हैं सुल्तानगंज क्योंकि आप सबने बोला था ना दी वहां पे जाके वीडियो बनाओ, लाइव आओ। तो डोंट वरी गाइज, आज हम लोग जाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे और लाइव भी आएंगे। तो लाइव एक्चुअली हम लोग आएंगे अभी के चैनल पे, यानी कि देवगढ़ ब्लॉग्स पे। और वैसे भी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हाँ उसके बाद ही आएगा वो वाला, और लाइव तो पहले ही आ जाएगा। तो चलो गाइज चलते हैं, हर हर गंगे जय भोलेनाथ। और यस, 120-130 किलोमीटर है, बट गाइज देखो सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। इधर अभी है, अभी अभी जो रेडी हो रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा सनटेन हो जाता है ना, मैंने भी सनस्क्रीन वगैरह तो लगा लिया है और ये दुपट्टा मैं लगा लूंगी, पूरा फुल फेस कवर कर लूंगी। तो गोप्रो वगैरह रेडी हुआ तुम्हारा? सब रेडी हो जाएगा। सो चलो गाइज चलते हैं एंड बी विथ मी। सो गाइज हमने स्टार्ट कर लिया है सुल्तानगंज जाने का एंड ब्रेकफास्ट वगैरह कर तो लिया था, बट फिर से भूख लग रहा है। लेट्स सी आगे जाके फिर से कुछ खाएंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज अभी हमने एंटर कर लिया है बिहार, आप देख सकते हैं, और यहाँ से सुल्तानगंज है जस्ट 98 किलोमीटर। और एक्चुअली मैं रास्ते वगैरह का ब्लॉग नहीं बना रही हूँ ना, क्योंकि वो अभी बना रहे हैं, गोप्रो से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सेंस से हो जाएगा ना, फिर आप लोग भी बोलोगे सेंस से रिकॉर्ड करें, इसलिए अगर कुछ अच्छा दिखे, अच्छा हो, तो ही मैं रिकॉर्ड करूँगी उनके रास्ते का, और वहाँ पे जाके तो वीडियो बनाना ही है गाइज। और गाइज देख लीजिए, ये इनारावरण साइड है, इधर भी सावन में दुकान वगैरह सब लगता है, और ये सब कावरिया पथ है, देख लीजिए हालत क्या है। तो ये सब भी देख के आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा कि सावन होगा भी या नहीं होगा, जो कोई मुझसे कंटिन्यूस क्वेश्चन करते ना, देख लो गाइज आप लोग, ये है कावरिया पथ का हालत। तो आप खुद से पता कर लो इस बार सावन होगा या नहीं होगा। यहाँ का हालत तो इधर का, हाँ ये तो बिहार है, बिहार का हालत तो झारखंड से ज्यादा ही वो है। अरे झारखंड में तो थोड़ा थोड़ा मेंटेन भी है, बट इधर नहीं, चलने लायक रोड है। हाँ इधर का रोड वगैरह भी देख लो आप लोग, देखो रोड है तो पूरा घास है, पूरा घास वगैरह भर गया, क्योंकि कांवरिया लोग तो उधर से ही आते हैं ना, तो देख लो। और साइड साइड में जो है वो दुकान वगैरह लगा रहता है, कांवरिया लोग का बैठने का सुविधा रहता है। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं कटोरिया में, यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं क्योंकि भूख लग चुका है, और विकी लोग का वेट भी कर रहे हैं, पता नहीं कितने देर में आएगा, तब तक हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अपना नाश्ता लेके आ गए, इसको वेट नहीं हुआ, हम बोले हाँ, सबको आने दो, फेवरेट नाश्ता है ना इसीलिए, इसको इंतजार नहीं हुआ एक्चुअली। वाओ मजा आ रहा है, कांट वेट टू ईट दिस कंप्लीट सेट। हम लोग 10-15 मिनट से वो लगा वेट कर रहे हैं, पता नहीं किधर रह गया, वो लोग आ ही नहीं रहा यार। तो नाश्ता वास्ता हो चुका है हमारा, अब फिर से हम लोग चल रहे हैं, अभी एक्चुअली बहुत दूर है और बहुत ज्यादा गर्मी भी है, धूप नहीं है, हाँ धूप नहीं है बट गर्मी है ना, टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। पहुंच चुके हैं हम लोग सुल्तानगंज, और ये रास्ता है आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है, मतलब ये एंट्री है गंगा जी की तरफ। और चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको गंगा जी, और ये रास्ता थोड़ा सा कंजस्टेड है जिसके वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम वगैरह भी लग जाता है इधर, और इधर एक मंदिर भी है एंड इधर भी अभी वैसा कुछ तो तैयारी वगैरह नहीं दिख रहा है, आप लोग खुद देख लो, मतलब तैयारी वगैरह तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो देखते हैं अब वहाँ गंगा जी जाके कैसा है, क्या है, नहीं है, जाने के बाद ही पता चलेगा ना वहाँ पे। वैसे तो हमने वीडियोस वगैरह बहुत देखा है, बट वहाँ जाने के बाद ही रियलिटी पता चलेगा क्या एग्जैक्टली सावन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, नहीं है। वैसे मैंने रास्ते में तो बहुत सारे कांवरिया बम को देखा, जैसे कोई पैदल भी थे, कोई बाइक से थे, कोई यू नो अपना पर्सनल कार वगैरह से थे, तो उसे तो हम लोग कुछ जज नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे जाके क्या है, नहीं है।
एंड गाइस ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सुल्तानगंज का मेन मार्केट है। देख लो यार पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, नहीं तो अभी तो यहाँ पे क्या मतलब यू नो कितना ज्यादा प्रिपरेशन वगैरह हो गया रहता सब चीज कावर वगैरह के लिए, बट अभी सन्नाटा सन्नाटा है हर एक जगह। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग गंगा घाट पे एंड बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे और रश तो नहीं है यार, मतलब यू नो उतना ज्यादा रश वगैरह नहीं है जैसा होना चाहिए था। ऑब्वियसली सावन में तो बहुत ज्यादा रश होता है आप लोगों को भी पता है, बट वैसा कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, बहुत ही नॉर्मल है। एंड गंगा जी का तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मतलब दो तीन वीडियो मैं बना लूंगी सेपरेट। वाह गंगा माँ आगे मैं देख पा रही हूँ कितना सुंदर है, आई एम सो एक्साइटेड, मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाऊंगी। इनफैक्ट अभी मैं लाइव भी आने वाली हूँ शायद अभी के चैनल से, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको पता है ना आपको क्या करना है यार, बस सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो यार और लाइक भी कर दो। चलो जय माँ गंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के मुझे, मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। सो देख लीजिए गाइस, हर हर गंगे जय माँ गंगे, आप लोग भी दर्शन कर लो। और उधर वो जो आप देख पा रहे हो वो उधर पुल बन रहा है एंड गंगा जी फाइनली हम लोग पहुंच ही गए यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड चलो मैं चलती हूँ थोड़ा सा पानी के अंदर अब। फाइनली आ चुके हैं गंगा जी घाट पे एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग सुबह आने वाले थे, सुबह आते तो नहाते भी, बट अभी नहीं नहाएंगे, बट कोई नहीं ऐसे कर लेते हैं सारे पाप धुल जाएंगे, गंगा माँ सारे पाप धुल लेगी। हर हर गंगे जय हर गंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके, आ जाओ तुम भी नीचे, आ जाओ। सो गाइज यहाँ का मैंने सेपरेट वीडियो बना लिया है, गंगा घाट का एक अलग वीडियो बनाया है, अजगेबीनाथ का एक अलग वीडियो बनाया है। तो क्या कर रहे हो अभी, तो जय माँ गंगे सारे पाप धुला देना। हम लोग तो नहा धुआ करके, ये तो नहा भी लिया यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं घर और अलग सा वीडियो, एकदम अलग अलग वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और चलिए अब चलते हैं घर और मैं दिखाती हूँ रास्ते में क्या क्या होता है, फिर खाना वाना खाएंगे हम लोग और क्या। तो गाइज इन सुंदर से जगह को अब बाय बोलने का टाइम आ गया है, और बाय तो नहीं बोलते, फिर मिलेंगे। और चलो अब चलते हैं यहाँ पे यहाँ से, और मैं फिर से बता देती हूँ हम लोग आए थे सुल्तानगंज गंगा जी आप सबके रिक्वेस्ट पे, बिकॉज आपने बोला था ना वीडियो बनाओ जाके, तो इसीलिए हम लोग आ गए गाइज। तो इसके आगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेर 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 सारा शेयर करो गाइज। तो चलो अब चलते हैं। सो गाइज यहाँ से तारापुर है 20 किलोमीटर और बैद्यनाथ धाम है 105 किलोमीटर। अब 105 किलोमीटर पहुंचने में हमें कितना देर लगेगा ये तो पता नहीं है, बट हाँ ये है कि आज पहुंच जाएंगे। चलो बोल बम, बहुत मजा आया यार बहुत ही ज्यादा। सो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट तो मिल गया है, रेस्टोरेंट खाने का, लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या खाना वगैरह है, बट नॉट श्योर यहाँ पे खाना है भी या नहीं है, कुछ खाना वाना है। एंड मेरा हेयर वाव बहुत ही गंदा हो रखा है। वेटर क्या क्या है खाने में, तंदूरी रोटी, चिकन दाली, 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 चिकन दाली। और ये नॉनवेज वाला बंदा हमेशा नॉनवेज ही खाना होता है इसको। सो दिस इज आवर फर्स्ट फूड आलू पराठा, लीजिए। एंड दिस इज आवर पनीर पराठा, आपका ये ले लीजिए। नहीं लीजिए ना। सो दिस इज आवर फूड एंड राइस एंड चपाती इज मिसिंग। पराठे की फोटो मैंने ले लिया था यार, आई एम एक्सपर्ट। क्या यार हर्ष भाई,
सो गाइस, खाना वाना हो चुका है हमारा और शाम भी हो गया है, तो चलिए अब मैं आपसे सीधे मिलती हूँ देवघर में, क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है एंड अब मैं फ़ोन को चार्ज में लगाऊंगी बाइक में और आपसे मिलती हूँ देवघर में। तो चलो, सो गाइस, फाइनली आ चुके हैं घर पे एंड हम लोग थोड़ा थोड़ा भींग भी गए थे क्योंकि रास्ते में बारिश हो रहा था, बट थैंक गॉड, मतलब जहाँ हम लोग जा रहे थे बारिश होने वाला रहता था बट होता नहीं था, मतलब भोलेनाथ की कृपा है। तो आई होप मेरा सारा वीडियोस जितना भी है ये गंगा जी वाला आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके यहाँ से जाना 130 किलोमीटर आना, टोटल 260 किलोमीटर, तो समझ रहे हो ना यार, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क था। तो प्लीज़ उस मेहनत को थोड़ा फल भी मिलना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज और शेयर भी कर देना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बोलबम, हर हर महादेव, जय माँ गंगा। चलो बाय बाय गाइज, गुड नाइट।